is an outstanding talent. You know, he's got amazing skills, and just again his control of pace and you know how he, the lines and the lengths he bowls. He's a guy who wants to improve all the time. तो दोस्तों उमरान मलिक को तीनों ओडीआई मैच में नहीं खिलाया गया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनको बेंच पर ही बैठा के रखा गया, जिसकी वजह से रोहित शर्मा से जब पूछा गया कि उनको क्यों नहीं खिलाया गया तो रोहित शर्मा ने साफ साफ मना कर दिया कि अभी उनकी टीम में जगह नहीं बनती है। और ये न्यूज सुन के उमरान मलिक पे काफी ज्यादा प्रभाव भी पड़ने वाला है, जो कि अभी उमरान मलिक पिछले तीन मैच से बेंच पे बैठे हुए हैं और साथ ही साथ उनको एक भी ओडीआई मुकाबले में मौका नहीं दिया गया और वहीं पे उनको आगे आने वाले स्क्वाड में भी मौका नहीं दिया जा रहा है। तो अब उमरान मलिक का करियर जाते हुए नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा उनको कभी भी टीम में लेंगे, और लेंगे तो क्या उनको टीम में खिलाएंगे? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है और उमरान मलिक के करियर पे भी बहुत ही बड़ा सवाल और निशान खड़ा करता है, क्योंकि अगर उनको अभी मौका नहीं दिया गया तो इस बार के ओडीआई वर्ल्ड कप के दौरान जो प्लेइंग 11 बनेगी उसमें भी उनका नाम बहुत ही मुश्किल है शामिल होना। तो आपको क्या लगता है, क्या मिलेगा उनको ओडीआई वर्ल्ड कप के स्क्वाड में मौका? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और साथ ही साथ तो उमरान मलिक से भी जो एक सवाल पूछा गया उसका उन्होंने कैसे जवाब दिया, उस पर एक वीडियो लेके आऊंगा मैं अपने आने वाले वीडियोस में। तो उसको पाने के लिए आप नीचे जो सफेद कलर का बटन है उसको कर लें टच और हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, कीप प्लेइंग, प्ले हार्ड।